हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और देखो इसको कैसे सो रहा है ये। रात तो शेर बन रहा था, एसी नहीं चल रहा, एसी को तेज कर, एसी धीरे कर। ये देखो पूरी बेडशीट ऐसे लपेट के सो रहा है। उठ जा यार, अपन को चलना है भाई। रात भर पूरी रात बात ही करता रहा मुझसे। 6-4 बजे सोए हम लोग और मैं उठा हूँ फिर 8 बजे। मैं 2 बजे सो गया, तो तुम 2 घंटे किससे बात कर रहा हो? साला पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें कर रहा था, 4 बजे तक सोने नहीं दिया इसने मेरे को। और आज मैं जा रहा हूँ अपने घर मजनू से मिलने। तो आज का व्लॉग ना घर का ही होगा पूरा का पूरा। चले अपन या कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करना है तो कर ले। नहीं चल, भूखे ही चलेगा यहाँ पे। चिया वो मीकू बनाती है घर पे, तेरी मम्मी खिलाएगी। कैमरा बैग ही ले चलता हूँ पूरा ना, लेंस वगैरह भी चेंज करना पड़ेगा शायद, तो उसके लिए कहाँ आया। यशी मिकुड़ी वगैरह तो अभी नहीं जाएंगे घर पे, कभी भी जा सकते हैं। मतलब आज मेरा मन हो रहा है ज़्यादा जाने का, तो मैं तो आज चले जाऊँगा। वैसे हाँ, वापस आ जाऊँगा मैं 4 बजे तक ही, क्योंकि शाम को काम करना है। इसी वजह से वो लोग भी नहीं जा रहे, क्योंकि कुछ ना कुछ काम ज़रूरी है। और यशी को भी काफ़ी सारे वीडियोज़ वगैरह बनाने हैं इंस्टाग्राम के लिए भी, यूट्यूब के लिए भी, तो इसलिए वो भी, उसके ऊपर भी थोड़ा सा काम है, इसलिए वो अभी नहीं जा रही है। जैसे ही वो फ्री होगी उस टाइम वो जाएगी, तब अपन घर पर उनके घर पर व्लॉग बनाएंगे मस्त मस्ती वाला। यशी को टाटा बाय बाय कर देता हूँ आज के लिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुन मैं जा रहा हूँ। कहाँ पे जा? घर पे। घर जा रहा है। मुझे से मिलने। शाम को आऊँगा ठीक है ना? शाम को आएगा? हाँ मतलब 4 बजे के आसपास आऊँगा। ठीक है। बाय। मुझे ना यार याद मत करना चाहता ठीक है? उनको कोई फर्क नहीं, नींद पे आ रही है। समझा नहीं। सीट बेल्ट। या इसमें गाड़ी में बैठने से पता है यहाँ पर क्वेश्चन एक कि अगर ये न्यूज़पेपर हिले तो आगे की यात्रा आपको पदयात्रा पर कन्वर्ट करानी पड़ेगी। पैदल जाओगे और लात देके भगा दिए जाओगे। चाहे वो मैं ही क्यों ना हो। इसको पता है क्या बहुत ज़्यादा वो होती है परेशानी, अगर है ना इसकी गाड़ी में ना कुछ भी है, नीचे पेपर वगैरह लगे हुए, थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा हो या थोड़ी सी भी मिट्टी आए इसमें, ये बहुत ध्यान से रखता है। ये गाड़ी 3 साल पुरानी होगी ना, 2 साल, तीन साल पुरानी होगी, और ये बिल्कुल चकाचक कंडीशन में, क्योंकि बहुत प्यार से रखता है इसको। देख रहा है भाई मैं इतना तो ये है ना, अपनी गर्लफ्रेंड को इतना प्यार से रखता है जितनी प्यार से इस गाड़ी को रखता है। लेकिन मैं गर्लफ्रेंड की मम्मी को बहुत प्यार करता हूँ। मार्केट ओपन हो चुका है। वो ये रावत वाली वो रसमलाई खाई थी। अच्छा तूने तो नहीं खाई थी। रावत वाला कहाँ पर है दुकान? तेरे को पता है रावत वाली कौन सी मिठाई की दुकान है? मम्मी बोल रही थी भाई रसमलाई रसमलाई खा रहे हो तुम, हाल लेके नहीं गए तो मेरे जूते पड़ेंगे। मैं आंटी के साथ भाई, मेरे को नहीं दी तुमने। हाँ तो 1 किलो पैक कराऊंगा, आधी तू को आधी आंटी को खिलाएंगे। जब जब पार्टियां होती है ना तब भाई साहब मैं गायब हो जाता हूँ। ये पता नहीं कहीं ना कहीं इधर उधर घूम रहा होता है। मैं इसको रोज फोटो क्लिक करके भेजता हूँ कि देख आज हम ये खा रहे हैं, आज हम ये खा रहे हैं। मिठाई ले ली है घर वालों के लिए, मैंने ली है 1/2 किलो गुलाब जामुन और 1/2 किलो रसमलाई, जो पसंद हो वो खा लेना। भाई दोनों चीजें खाऊंगा मैं तो, घर वालों को पता नहीं मिले ना मिले। भाई पता है क्या, उसने गुलाब जामुन रखे, उसने वेट नापा, कम था वेट। उसने पता क्या रखा होगा उसमें वापस वेट बराबर करने के लिए? और क्या। मैंने देखा गुलाब जामुन ऐड करके उसने चाशनी ऐड करके वेट बराबर कर दिया। मैंने कहा वाह भाई वाह। भाई मैं ना जब भी गुलाब जामुन वगैरह लेने जाता था ना, मैंने ये बोलता रहता भैया चाशनी मत डालना, लेकिन ये चीज वो कभी नहीं सुन सकता। चाशनी तो कंपलसरी है भर के। घर पहुंच गए हम। धीरे से आवाज मत करना, वो आ जाएगा ना बाकी। मजनू बेटा लॉकडाउन में पापा बदल लिए। बस कैमरे पर लपक रहा है, व्लॉगिंग करनी है। आगे का तू सामान। इसके खाना इसको देख लो। इसके खाएगा? मुझे भी खाना है वैसे तो। जल्दी है इसको खाने की। अरे मुझे लगा ये समझदार हो गया, पर इसे खाने का लालच था। हाँ।
वेरी गुड कम ऑन एक इधर भी कैच करा अर्ज कम ऑन ये मच्छी इसके जूतों के पीछे पड़ गया नाय बजरो कैसी हो बस बढ़िया है वैसे मैं आपसे मिलने गया मैं तो उससे मिलने आया मुझे पता तुम इससे मिलने आया हो मैं तो प्यार करता नहीं मजनू से प्यार करता मैं मजनू से तो प्यार करता हूं मजनू मजनू देख क्या कहा दूर ये बेटा मेरा देख आहा गंदा है तू तो चल 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 अच्छा अच्छा चल रहा हूँ मेट्रो ले नहीं चला जा 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 ले तो आज तू आज हाँ 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 आजकल भाई साहब यहाँ पर हाँ मम्मी का लाडला ही हो गया है और इसको भी पसंद नहीं है अब कि मम्मी और पापा के पास कोई रहे कोई भी नहीं रहे मम्मी यहाँ सोती है पापा यहाँ सोते हैं और ये बीच में सोता है अरे बस से बस बस इतने प्यार था आपने इसको सुलाया कभी नहीं सुलाया भाई इसी को मिल रहा प्यार अब बस जब तो मैं भी इससे मिलने आया मैं खुद ही इससे मिलने आया मैं क्या बोलूं तू भौंकना सीख जा नहीं करेगा नहीं नहीं सो रहा हूं मम्मी थोड़ा सा सोएगा थोड़ा बेटे थोड़ा सा मम्मी थोड़ा सा सोएगा थोड़ा सो जा मैं मम्मी थोड़ा सा थोड़ा सा इसे बोलो ना पापा को जगा दे तो पापा को जगा देगा चाय बन के आ जाएगी तो पापा को जगा देगा अनुज से बोल दो अनुज को जगा देगा कैमरा बचा के रखना पड़ेगा क्योंकि कैमरे के पीछे पड़ रहा है बार बार देखो मैं बाहर निकला हूँ थोड़ा सा और है ना अपने पैर निकाल के मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है जाऊँ मैं मजू जाऊँ मैं ये मजनू के लिए रसमलाई और ये मम्मी के लिए बैग भर के कपड़े धोने के लिए लेके आया हूँ मैं रसमलाई है और गुलाब जामुन है ये आपके लिए आप बोली थी ना लाता नहीं हमारे लिए तो मजनू के लिए लाए नहीं नहीं आपके लिए लाया हर बेचारा कब से बैठा हुआ है रसमलाई कब खुलेगी माफी मांग लो गलती करी भगवान मैंने हर्ष को ना वापस ब्लैक रूम बुला हम आप हमारा नुकसान भी हुआ उससे बड़ी गलती करी मैं इसकी बातों में हाँ और गया रसमलाई तेरे लिए है घर जाके मजनू को दे दी तू भी तो मेरा मजनू ही है यार रसमलाई के लिए कुछ भी बोला ले मम्मी तो ना फ्रिज में रखे चुपचाप से अपन तो उधर दे चुपचाप से फ्रिज में रखे अकेली खाऊंगी मम्मी मैं इतनी देर से इंतजार कर रहा था आपने ही खिला दिया अपने बच्चे को नहीं तो ठंडी तो होती थी बेटा गरम खा लेता आंटी मैं तो गरम खा ले तो सोच रही थी मैं पापा से कह रही कल गुलाब जामुन नहीं खिलाए बोले तू खिला ले मैं श्याम जी की दुकान पे अच्छे नहीं आ रहे अभी तो हाँ दूसरी जगह से लाए देखो खा के देखो कैसे मेरे गुलाब जामुन मत देना रसमलाई देना ये हर्ष को दो गुलाब जामुन दो पापा से बोलूंगी तुमने नहीं खिलाई मेरे को मेरे बेटे ने खिला दी हाँ लाई मेरी दे दो मेरी क्या होती है भाई ओहो मम्मी अपने हाथ से खिला रही है भैया हाथ तो प्यार उमड़ रहा है मुझे खाली चम्मच क्यों इतने बड़े पैसे कर दिए क्या मैंने ला तेरे को मेरा माँ का काम नहीं करता इसलिए ये निकलना क्या करता है इससे लालच है मेरे मतलब ही बच्चा मुझसे लालच है इनको क्या चाहिए आपको क्या खरीदना है अब मंगलसूत्र खरीदना मंगलसूत्र खरीदना है देख ले लालच है इसलिए मेरे को आसे खिलाया है मम्मी मुझे तो प्यार से खिलाया हो बिल्कुल अपने बेटे पे कही हो गुलाब जामुन मम्मी के फेवरेट है जब तुम्हें पेट में था ये वो छोड़ देना पेट में था ना मैं पापा से बोलती थी पापा मेरे को निरे गुलाब जामुन मंगा मंगा के खिलाते थे फ्रिज में गुलाब जामुन मिलते थे क्या लाओ बंगाली मिठाई अब गुलाब जामुन नहीं खाने नहीं अब नहीं खाने तो बंगाली मिठाई खानी ये तो पल पल में चेंज हो रही है आपको क्या लगता है सुयश मिष्ठान भंडार है उसका अरे यूट्यूब चैनल चलाता है लड़का अभी मजनू को उधर बंद कर दिया थोड़ी देर के लिए नहीं तो वही हमारे को किसी को नहीं खाने देता और मिठाई वैसे उसको खिला नहीं सकते क्योंकि ये मीठा डॉग्स के लिए अच्छा नहीं होता है अभी हर्ष जा रहा है घर से अभी आएगा नहा धोकर वापस आएगा यहाँ पर फिर फ्लैट जाएंगे यहाँ पर तो सच में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है इस रूम में तो मैं रुक नहीं सकता क्योंकि इसमें कूलर नहीं है कूलर मम्मी ने शिफ्ट करके रसोई में ही कर दिया है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी उनको खाना बनाते वक्त गर्मी एक तो ऊपर से ये यहाँ पर इस घर की गर्मी क्योंकि ज़्यादा ऊँचा नहीं है और ये पट्टियों का बना हुआ है तो यहाँ पर क्या गर्मी एक फ्लोर का होता है मतलब एक फ्लोर भी पूरा नहीं है ये तो इसमें थोड़ी ज़्यादा तेज़ गर्मी लगती है इसलिए किचन वाले में मम्मी ने मेरा कूलर शिफ्ट कर लिया ताकि वहाँ एटलीस्ट खाना तो वो चैन से बना पाए वरना वो परेशान रहती गर्मी में मैं नहीं खाऊंगा खाना सब तू ही खा जाएगा मम्मी ने आज बनाया है दाल चावल बड़े जल्दी आज खाने के टाइम पे आया तो खाने के टाइम पे तो सही टाइम पे आया देखो उसको ना खाना चाहिए मैं भी खाना खा रहा हूँ ना इतना प्यार से इसलिए बैठा है कि इसको मैं खाना दे दूँ ताकि
इतने प्यार से तो ये भी बैठा है। दूर रहे हो ना मेरे से? हाँ। तो या तो आइए पर लेकिन इसके मन में मैं टाइम पास कर देता। हाँ वरना तो मम्मी रह नहीं पाती हमारे बिना, इसकी वजह से रह पाई क्योंकि इसके साथ खेलते रहते सब पूरे टाइम। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं हो रहा इसको छोड़ के जाने का। चल तू साथ में चल, ये क्या करेगा? देखो खाना खा रहा है। गर्मी गर्मी देखो आ गया ये गेट तक जाएगा ही छोड़ने के लिए। हाँ। तो चलो ठीक है, वापस मत आना। अब मैं आऊंगा मजनू से मिलने, देखो कब आता हूँ। बात मजनू से लगा हुआ है, मजनू को जूते पे लगा हुआ है। मजनू कुछ मांगता नहीं, मम्मी जैसी कराता हूँ पैसला पैसला पैसला। मजनू से प्यार करना बनता है। अभी हम जा रहे हैं फ्लैट और वहाँ पर जाके मुझे क्या है एक्चुअली वीडियो शेड्यूल करना है, मैंने एडिट करके रखा हुआ है जो आज लाइव जाएगा उसको अपलोड नहीं किया है। तो अभी फ्लैट जाऊँगा उसको अपलोड करूँगा, अगर वो अपलोड वगैरह नहीं करना होता तो शायद मैं रुक जाता शाम को यहाँ पर, कल सुबह जाता। लेकिन हाँ इसको भी व्लॉग को भी एडिट वगैरह करना है तो वहीं काम वहीं पर होगा, यहाँ पर नहीं हो पाएगा, घर पे उस जगह पे ही काम होगा अच्छे से। शिकायत फोन आ गया, कितनी देर में आ रहा है भाई, आ जा चुका फटाफट से। तेरे जूते कभी नहीं पकड़ेगा ये, उसको खुशबू पता है कहाँ है। अरे भाई बेहोश हो जाएगा, रहने दे। अच्छा गाइस आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, अगर एंजॉय किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते हैं कल, बाय बाय कर दो, बाय।